पता है, मैं एक बार एक घर में गई थी जो बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, बहुत सुंदर था। वहाँ की फर्श से लेके दीवार से लेके सीलिंग से लेके फर्नीचर, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, द बेस्ट दैट यू कुड इमेजिन। लेकिन वो घर में मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की लाइट्स ना, सारी की सारी लाइट्स ख़राब थी। बहुत ज़्यादा डिम, बहुत कम कम उजाला होता है ना, वैसी थी। जैसे कभी कभार देखो, हमारे घर में एक फेज़ की लाइट चली जाती है तो सारा घर ऐसे कम कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगता है। उसी तरीके से कुछ लाइट्स बंद चालू हो रही है, फैंस नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है, लाइट्स नहीं है। तो घर इतना सुंदर था, लेकिन उसका पूरा मज़ा ख़राब इसलिए हो रहा था क्योंकि लाइट्स ही नहीं थी। जो उसकी सुंदरता है वो देख ही नहीं पा रहा था कोई भी इंसान। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उस घर को बहुत सुंदर बनाना है और वो जो डिम सी लाइट है जो जल नहीं रही है, उसको अगर अच्छे से लगाना है तो क्या होगा? हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी का पावर चाहिए ताकि पूरा घर जगमगा उठे। और नॉर्मल लाइट्स तो क्या, वो जो शैंडिलियर होता है, झूमर होता है, वो एक्स्ट्रा लाइट्स, सजावट, ये सब कुछ उस घर में हो सके, राइट? ये सब कब हो सकता है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो। अब ऐसा समझ लो कि वो जो घर है ना, वैसा ही कुछ हम भी हैं। हमारा पूरा शरीर या फिर हमारी पूरी लाइफ उस घर की तरह है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वाइब्रेशन, यानी कि हम कैसा महसूस करते हैं। वाइब्रेशन का कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। वाइब्रेशन का सिंपल सिंपल मीनिंग अगर आप समझोगे, आप जैसा महसूस करते हो आप उसी लेवल पे वाइब्रेट करते हो। आप कोई इंसान है जो बहुत हैप्पी है, बहुत पीसफुल है, उसकी वाइब्रेशन उस लेवल की होगी, हैप्पी एंड पीसफुल लेवल की। कोई इंसान बहुत ही गुस्से वाला, नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी वाइब्रेशन बहुत नीचे स्तर पे होगी। जैसी आपकी फीलिंग वैसी आपकी वाइब्रेशन, ठीक है? तो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एक अच्छे स्तर पे वाइब्रेट करें, या फिर हमेशा अपने मन में अच्छी फीलिंग्स को रखें। चाहे आपका घर, आपकी लाइफ चाहे कितनी ही परफेक्ट और सुंदर क्यों ना हो उस घर की तरह, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस ही अच्छी नहीं है तो क्या ही फ़ायदा होगा? आपको अगर अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है तो पहले अपने मन को आपको सुंदर बनाना होगा। वहां से आपकी पूरी लाइफ में एक प्रकाश आ जाएगा। घर चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो वो काम ही नहीं, मतलब सुंदर ही नहीं दिखेगा, राइट? तो इस बात से कंफ्यूज मत होना जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बस भावनाओं को समझो कि आपको अपने बाहरी लाइफ में कुछ भी चेंज लाना है, अपने आपको अपनी बाहरी लाइफ को अगर सुंदर बनाना है, पहले आपको अपने मन को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को सुंदर बनाना होगा, और फिर वो आपके लाइफ में बाहर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में हमें जो हम होते हैं रियल में, उसी की परछाई दिखते जाती है। अगर आप अच्छे इंसान हो आपको लाइफ अच्छी लगेगी, अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो आपको हर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी, ठीक है? और ये बातें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय जाता है। आपको अभी लगेगा कि नहीं, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, लेकिन जिस नज़रिए से हम लाइफ को देख रहे हैं वो अपना नज़रिया ही खुद बयान कर देता है कि हमारा रियल नेचर या हमारी रियल वाइब्रेशंस कैसी हैं, ठीक है? तो अपनी वाइब्रेशंस को प्योर रखना, अच्छा रखना, इसके लिए आप कंटिन्यूसली अच्छी बुक्स, अच्छी वीडियोज़, अच्छी बातों और अच्छे दोस्तों का सहारा ले सकते हो। रिमेंबर, आपके साथ किस तरह के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका माइंड स्टेट किस तरीके का होगा। अगर आप एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली में फंस चुके हो जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप उनसे डिटैच होने की कोशिश करिए। डिटैच यानी कि बस रह रहे हैं साथ में, बट मन से कोई भी आपका कनेक्शन नहीं है। आप अपने आप को अलग समझिए और अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप की जर्नी को आगे बढ़ाइए, बट डोंट गिव अप, ओके? सो जितनी ज़्यादा आपकी हायर वाइब्रेशन होंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो चैंटिंग करते हैं लोग, भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में फैलती है। इसीलिए वो नाम लोग लेते हैं और इसीलिए उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो यही था आज का छोटा सा मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड टेक केयर। बाय बाय।